वहां से ये बहन का नाम पूनम है, ये कहते हैं मैरिज के बाद दुष्टात्मा के अटैक होने लगे। उससे पहले इनके ससुराल में अटैक हो रहे थे 45 साल से। कहते हैं इन लॉज में कर्स था कि जब भी पहला बच्चा होता था उसकी डेथ हो जाती थी पहले। आपके इन लॉ में कर्स था? हाँ जी, मेरे सासू माँ कहते थे कि उनके जब बेटा हुआ था तो वो एक्सपायर हो गया था, तो उसके बाद मेरी जो जेठानी थी उसके भी बेटा। मतलब आपकी फैमिली, पूरी फैमिली में कर्स था कि पहला बच्चा आपका फैमिली में एक्सपायर होता था, ये 47 साल से शराब था। हाँ जी, हाँ जी। और कौशल जी, जब इनकी मैरिज हुई तो कहते एक तो डर था कि जब बेबी होगा तो शायद ऐसे ही एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा अटैक होगा, और दूसरा कहते बेबी कंसीव ही नहीं कर पा रहे थे। और कहते हैं कि काफ़ी जगहों पर गए, अन्य जगहों पर, मेडिकेशन पर भी गए, लेकिन कहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। और दूसरा ये सोचते थे कि हम बेबी ना ही करें क्योंकि पता ही है कि अटैक होगा ही, बच्चा मर जाएगा, ऐसा डरते थे। बेबी करने से भी कंसीव भी नहीं हो रहा था। और कहते कि कभी हम बेबी अडॉप्ट करने के बारे में सोचते, कभी कहते इतनी लड़ाई होती कि घर वाले सारे कहते कि दूसरा मैरिज कर लो इनके हस्बैंड को। तो कहते इस तरह से माहौल था पूरा खराब, और अन्य जगहों पर चेले सियानों के पास भी बहुत गए लेकिन कोई आराम नहीं आया। कहते YouTube के द्वारा एक दिन कहते खामपरा चर्च की मीटिंग चल रही थी, वो देखी इन्होंने, और थर्सडे मीटिंग में फिर ये चर्च में आए थे 12 मई 2022 को। और पसल जी, अपने जिनके बेबी नहीं होते उनके लिए स्पेशल प्रेयर किया, और कहते मैंने इतना विश्वास बना उस दिन, और मैंने फेथ के साथ रिसीव किया। और उसके बाद कहते सपने में पसल जी ने लेहन प्रार्थना किया था इस बहन के ऊपर, और कहते जैसे ही लेहन प्रेयर हुआ सपने में, और दूसरे ही दिन कहते जब टेस्ट किया तो ये प्रेगनेंसी कंसीव किया इन्होंने पहली बार। और पूरे 9 महीने परमेश्वर ने संभाल के रखा, उसके बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, कोई अटैक नहीं हुआ, बेबी पूरी तरह से सुरक्षित परमेश्वर के हाथ में। खुश कितने हो, दिखाओ तो उसको। इस जीवन भर आपका बेटे, आप इसके बड़े पापा। ओ खुदावंद, सदा तुझको मैं याद करूं। सदा तुझको। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो छोटे को देख के लगता है कि हाँ, ओ जीसस, 47 साल का कर्ज आपने, आपके जब आप पे आपने प्रेयर को रिसीव किया जून में जी। और प्रेग्नेंट कब हुई? मैं जून में हो गई थी, मेरे को 1.5 महीना हो गया था प्रेग्नेंट, लेकिन मुझे खुद को पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और आप प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट थी 2018 की प्रेयर को सुनने के बाद। मैंने 2022 में सुनी आपकी प्रेयर। ओ जीसस, उसके बाद जीसस, क्रूस पर बली थारा, ओ गॉड, अपना थैंक यू। कितने साल से विश्वासी हो आप? कितने साल से विश्वासी हो? ओह गॉड, मैं बहुत पुरानी क्रिश्चियन थी। और आप चर्च में? लेकिन मेरा क्रिश्चियनिटी में विश्वास ही नहीं था, मैं समझती थी सब ऐसे ही है। जब मैंने आपकी प्रेयर सुनी तो मेरे को लगा कि है जीसस, और मैं पता नहीं कहां था। उसको सुनाओ। अरे तुम्हारा बच्चा बोलना चाहता कुछ, तुम माँ बेटा एक जैसे हो, तुम भी चुप नहीं कर रही, वो भी चुप नहीं कर रहा। सुनो, तुमने बिलीव किया अपनी फैमिली में, क्रिश्चियन थी, बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब चर्च के साथ जुड़ी, लगातार आती रही, प्रेयर रिसीव की, लगातार महीनों 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 आपने पुरानी प्रेयर 2018 की रिसीव की, और कुछ महीने बाद आप प्रेग्नेंट थी। हाँ जी। ओह जीसस, सुनो, ये कर्ज आपकी वजह से इस फैमिली से टूट चुका है। आमीन। और ये कभी वापस नहीं आया। आमीन। आमीन ऊंचा चाहिए। आमीन।